Hi guys, welcome back to my channel Fashion with Shiza. Welcome back to episode number 2 of Try with Shiza. अगर अभी तक आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक कर दूँगी, क्योंकि उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, हर एक लड़की के लिए. ऐसा प्रोडक्ट मैंने उसमें दिखाया है जो आप ज़रूर ट्राई ऑन करना चाहेंगे एंड उसकी जगह होगी आपके हैंड बैग के अंदर सीधा. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोग उन पिंपल्स को कैसे बाय बाय कर सकते हैं सिर्फ 2 दिन के अंदर. ऐसी टेक्निक मैं आपको बताऊँगी जो सबसे पहले US में यूज़ हुई थी एंड अब वो इंडिया में भी इजीली अवेलेबल भी है एंड इफ़ेक्टिव भी है. सो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. हम क्या करते हैं, हम ना जब पिंपल हो जाता है तो हम उसे पॉप करने का ट्राई करते हैं, बट पॉप नहीं करना चाहिए. पॉप करने से क्या होता है, एक तो एक्ने का जो होता है पोर वो ओपन हो जाता है एंड उसके अंदर डर्ट एंड आपके जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो जाने का डर रहता है एंड वो पोर्स को क्लॉक कर देता है. बहुत बार बहुत ही लार्ज ओपन पोर हो जाता है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ हुआ है. एंड दूसरी चीज़, ये पॉप इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो आपके दूसरे स्किन पार्ट्स पर भी लग सकते हैं, जिसकी वजह से आपको वहां पे भी पिंपल्स हो सकते हैं. मैं बताऊंगी इस वीडियो में इस पिंपल बैचेस को कैसे यूज करना है, कितनी देर के लिए यूज करना है, कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, कौन से पिंपल के लिए ये सही है, कौन से पिंपल्स के लिए सही नहीं है. अब क्या होता है, पिंपल्स की ना 4 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में बहुत ही कम दिखता है, वो स्किन पे पता भी नहीं चलता है, लेकिन बात आती है जब 3rd एंड 4th स्टेज की, तो वहाँ पे थोड़ा सा पिंपल दिखने लगता है, उसके अंदर पस पड़ जाता है, रेडनेस एंड स्वेलिंग हो जाती है. तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने पिंपल को ट्रीट करें एंड पिंपल को स्टार्टिंग से ही ट्रीट करना हमारा बेसिक पॉइंट होना चाहिए, ताकि वो उन लास्ट स्टेजेस तक के पहुँचे ही नहीं. ये पिंपल पैच सबसे पहले US में यूज़ होना स्टार्ट हुए थे. उन्होंने क्या किया है, लेट मी शो यू. दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड प्राइवेदा एंड इसके अंदर मुझे 57 पैचेस मिले हैं. इस तरीके की पैकेजिंग आई थी, ये मैंने ओपन करके यूज़ किया है क्योंकि मुझे खुद यहाँ पे 2 पिंपल्स हुए हुए हैं एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे ये 2 पिंपल्स हैं मुझे एंड मैं उसके ऊपर यही यूज़ कर रही हूँ. सो ये है वो, ये है पैचेस, आपको दिख सकते हैं इसके अंदर 57 पैचेस आए थे. इसके अंदर पैचेस के भी साइजेस भी अलग अलग अवेलेबल हैं, स्मॉल से लेके मीडियम एंड देन लार्ज पैच. मेरा ये जो सेकेंड वाला पिंपल है ये काफ़ी लार्ज पिंपल है एंड जो पहला वाला पिंपल है ये स्मॉल पिंपल है. अच्छा, अब आपको अप्लाई कैसे करना है. सबसे पहले आपको अपने हैंड को एंड अपने फेस को क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है, ताकि कोई भी डर्ट वगैरह ना हो. अगर क्योंकि वो पिंपल पैच पे लगेगी तो पिंपल पैच आपके पिंपल पे जाने वाला है एंड वहाँ पे बैक्टीरियाज और डर्ट जाएंगे तो वो और ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है. तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने वॉश करना है हैंड्स एंड फेस को. उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन सा पैच आपके लिए सूटेबल है आपके पिंपल के साइज़ के अकॉर्डिंग. ओके, इसमें देखिए आगे पीछे दोनों साइड पर शीट आती है ताकि पिंपल पैच जो है वो बिल्कुल सिक्योर रहे. ओके, मैं अपने इस वाले पिंपल पे लगाऊंगी. ये वाले पिंपल पे मैंने इसे लगाया था एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये पहले ही दिन लगाते हुए मुझे इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मुझे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी. हाँ, इस पे स्पॉट है बिकॉज दिस इज़ द पिंपल पैच, नॉट स्पॉट रिमूवल पैच. तो स्पॉट है वो धीरे धीरे अपने टाइम से के अकॉर्डिंग जाता रहेगा. एंड अब आपको क्या करना है, इसे क्लीन फेस पे लगाना है. इसमें एक और अच्छी बात यह है कि ये वाटर प्रूफ है, तो आप इसे फेस वॉश भी कर सकते हैं इसे लगाने के बाद एंड आपके पिंपल पैच पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दूसरी चीज़, आप इसे लगा के बाहर भी जा सकते हैं, ये इतना दिखता वगैरह भी नहीं है. तीसरी चीज़ ये है, अगर आप चाहे तो आप इसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हैं, वो भी आपको नहीं दिखेगा, आपको नहीं लगेगा कि इस पर पिंपल पैच आपने लगा रखा है. अब आपको लगाना कितने टाइम के लिए है, आपको लगाना है इसे 9 to 10 hours के लिए. आप इसे रेगुलरली लगाइए जब तक कि आपका ये पस और स्वेलिंग वगैरह कम ना हो जाए. सेकेंड थिंग, इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ एक पैच. सो दिस इज़ द पैच, आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको खुद ही एडहेसिव मिलेगा,
इसके अंदर आपको कोई भी चीप केमिकल वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा कि ये आपके स्किन पर चिपक जाए। ये खुद ही आप एडहेसिव है, इसके अंदर सेल्फ एडहेशन है जो ये आपके पिंपल पे खुद ही चिपक जाएगा। एंड मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे नाइट टाइम में लगाएं, बिकॉज नाइट में क्या होता है ना, योर स्किन एंड योर फुल बॉडी इज इन हीलिंग मोड, तो उस टाइम पे आप कुछ भी स्किन केयर भी यूज़ करेंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस पिम्पल पैच को भी नाइट में लगाएं एंड सुबह रिमूव कर दे, फेस वॉश कर ले। So guys, my take on this pimple patch is it is a treasure, really a treasure. But हाँ, अगर आपका pimple केस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पस पड़ रहा है, so don't apply this because वो harmful उन केसेस में हो सकता है। और बहुत ही अगर कम छोटा pimple है तो उसमें मत यूज़ करिएगा। I hope आप लोगों को ये वाला जो product है वो भी बहुत पसंद आया होगा, ये pimple patches। And I hope आप लोग मेरी वीडियो को बहुत सारे प्यार देंगे। मिलते हैं अब एपिसोड नंबर 3 के साथ। And till then, take care, goodbye, love yourself, bye bye, don't forget to like, share and subscribe to my channel.